नमस्कार प्यारे दोस्तों, आयुर्वेदिक चैनल आरोग्य भव में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही साधारण सी घरेलू समस्या, जो कि दस्त लगने की समस्या है, उसको कैसे सरल घरेलू नुस्खे से बड़ी आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हैं, उस समस्या को दूर कर सकते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, दस्त लगने की समस्या होती क्यों है? अमूमन आम तौर से हम लोग जैसे बाजार का कुछ खा पी लेते हैं, या घर में कुछ अपोजिट ईटिंग हो जाती है, विरुद्ध आहार जिसको कहते हैं, या फिर उल्टा सीधा खाने पीने की वजह से फूड पॉइजनिंग के कारण ज़्यादा तीखा चटपटा मसालेदार खाना खाने से भी दस्त की समस्या हो जाती है। तो दोस्तों, दस्त की साधारण सी समस्या को आप अपने ही घर में बड़े ही आसान तरीके से किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। आपको लेना है साबुत धनिया। साबुत धनिया जो कि हम अपने किचन में गरम मसालों में यूज़ करते हैं, अपनी सब्जी वगैरह में डालते हैं, वो साबुत धनिया यदि एक चम्मच साबुत धनिया चबाकर आप ऊपर से पानी पी लें, तो उससे दस्त की समस्या दूर हो जाती है, दस्त बंद होते हैं। और यदि घर का पिसा हुआ धनिया है आपके पास, किचन में घर का पिसा हुआ धनिया है, तो उसमें से लगभग पौना चम्मच के करीब पिसा हुआ धनिया आप लेकर उसको फांक के और ऊपर से पानी पी लीजिए, इससे भी दस्त की समस्या दूर हो जाती है। और इसके अलावा एक बहुत ही सरल आसान घरेलू नुस्खा मैं आपको बताता हूँ, जो कि हर घर के किचन में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और वो है चाय की पत्ती। आप आधा चम्मच चाय की पत्ती लीजिए यदि साधारण दस्त लगे हुए हैं, तो आधा चम्मच चाय की पत्ती लीजिए, उसको फांक लीजिए और ऊपर से पानी पीजिए। आम साधारण दस्तों को रोकने के लिए ये बहुत ही कामयाब नुस्खा है। और तीसरा नुस्खा है मेथी दाना। यदि पेट में मरोड़ उठ रही है, पेट में दर्द हो रहा है और दस्त लगे हुए हैं, तो आधा चम्मच मेथी दाने का आप फांक लीजिए और ऊपर से पानी पी जाइए। इस प्रकार से करने से पेट का दर्द, पेट की मरोड़ और दस्त, ये तीनों समस्याएं दूर हो जाती हैं। ये बड़े ही सरल आसान घरेलू नुस्खे हैं। साधारण से दस्त लगने पर यदि आप इन तीनों में से किसी एक चीज का सेवन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको दस्त लगने की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मैं फिर आपके पास आऊँगा नई स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेकर। आप सब लोग सुरक्षित रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।